वेलकम टू सिविल मंत्र। आज दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरेलल फोर्स के बारे में कि पैरेलल फोर्स क्या होता है और इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसके दो टाइप हैं, लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है कि कॉन्ग्रुएंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स क्या होते हैं, कोप्लैनर फोर्स क्या होता है और नॉन कोप्लैनर फोर्स क्या होता है, तो जरूर देख लें। अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल फोर्स के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा पैरेलल फोर्स क्या होता है। दोस्तों विच हैव पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, जिसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है, कहने का मतलब एक ये लाइन है जिसका लाइन ऑफ एक्शन दोस्तों पैरेलल होता है, वह हमारा कहलाता है पैरेलल फोर्सेस। ओके, अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्स और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स। पहले फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स दोस्तों उस फोर्स को कहते हैं जिसमें उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन है वह सेम होती है। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, जैसे कि जिसकी फोर्स की F4 है, ये हमारा F10 है, F7 है और ये हमारा F12 है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस तरीके का हमारा जो फोर्स होता है, जो बॉडी में अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। अगर मैं डिफिनेशन इसका लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्स। ओके, अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं F4, F10, F7 और F12। इस तरीके के जो भी हमारे फोर्सेस हैं वह कहलाएंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम सेकंड बात करते हैं अनलाइक की, कि हमारा जो अनलाइक पैरेलल फोर्स क्या होता है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस Unlike parallel forces हमारा दोस्तों ऐसा फोर्स होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन का जो डायरेक्शन है वह सेम नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं F1 और F8 की, एक का डायरेक्शन हमारा इस साइड है और एक का डायरेक्शन हमारा इस साइड है। तो इस तरीके के हमारे जो फोर्स होते हैं वह हमारे कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम बात करें F9 की और F12 की, इसका डायरेक्शन F9 का इस साइड है दोस्तों और F12 का लाइन ऑफ एक्शन का जो डायरेक्शन है वह इस साइड है। इस तरीके के हमारे जो फोर्स होते हैं वह हमारे कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन इस कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं F1 और F8 एंड F9 एंड F12। ओके, तो इस तरीके जो हमारे फोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।